अच्छा कैरेक्टर है मेरा, मैं तीन लोगों को फंसाती हूँ। आप मूवी देखने के बाद हाँ, हम अपना कैरेक्टर हाँ, आगे का आप मूवी देख लीजिए अपने कैरेक्टर के बारे में। अभी आप फिल्म देखने के बाद सब आपको पता चलेगा, और जरूर देख लीजिए, हमें अच्छा लगेगा, इसको भी अच्छा लगेगा, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। नाम बताओ। हाय, मेरा नाम अनुपमा प्रकाश है और मैं इसमें काम कर रही हूँ गलतियाँ मूवी में। मुझे बहुत मज़ा आ रही है यहाँ पे, और मैं तमिल मूवी भी कर चुकी हूँ, हिंदी भी कर चुकी हूँ, कन्नड़ भी कर चुकी हूँ। मैं मोस्टली कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, फ्री नहीं बैठना चाहती इसलिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और गलतियाँ मूवी में जो मेरा किरदार निभाया, जो मैंने निभाया है, वो बहुत ही स्वीट तरीके से लड़कों को कैसे फंसाना है वो सब चीज़ें, चुलबुला टाइप वैसा है मेरा किरदार। रियल लाइफ में भी बहुत चुलबुली है, रियल लाइफ में चुलबुली पर लड़कों को करती रहती है। तो आप बहुत सारी मेहनत भी कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, देख रहा हूँ खाने का भी ख्याल आपको नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी फिल्म है ये? फिल्म एक लव स्टोरी है, एक गरीब लड़की की कहानी है और एक अमीर लड़की की, जो नॉर्मल स्टोरी होती है, जो नॉर्मल एक स्टोरी होती है कि एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की। अब इनकी लाइफ में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, लोग भाग के शादी करते हैं और बहुत सारी अप एंड डाउन है, थ्रिल है इसमें, थ्रिल है, एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, कॉमेडी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं भी पूरी स्टोरी बता दूंगा तो शायद कोई देखने नहीं जाएगा, तो यहाँ तक की स्टोरी है फिल्म की। और दो खूबसूरत इनका परिचय देना चाहेंगे। ये इनका नाम है अनुपमा, फिल्म में हमारे महक का निशा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, एक्चुअली सॉरी फॉर दिस। इनका नाम अनुपमा है और फिल्म में निशा का कैरेक्टर प्ले कर रही है। इनका नाम जयश्री है, फिल्म में ये हीरो की आंटी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और एक दोनों का एकदम ग्लैमर कमर्शियल एस्पेक्ट से इनका काम, मतलब कैरेक्टर्स है, बोल्ड कैरेक्टर्स है, एंड दे आर प्लेइंग वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। जैसे मेरा सवाल आपसे होगा, बहुत सारे डायरेक्टर के साथ आप काम किए होंगे, मासूम जी के साथ काम करके आपको कैसा लगा? एक्चुअली मैंने इनको तो पूरा तंग ही किया है, पहले दिन से लेकर आज तक मैंने बहुत तंग किया, लेकिन इन्होंने बहुत संभाल के लिया और इतना अच्छा डायरेक्शन, मैं फर्स्ट, मेरी पहली फिल्म है ये हिंदी, तो इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने के लिए मिल रहा था, ये भाग्य की बात है मेरे लिए। मेरा अकेले का कुछ नहीं है, ये पूरी टीम, और सच में वो टीम वर्क लेके ही काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। मासूम सर, फिल्म के एक्टर विनोद कुमार जी और गौरी, एक्ट्रेस गौरी जी, उनके साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपको ये तंग कर रहे हैं? हम सब तंग कर रहे हैं। विनोद जी एक नए फर्स्ट टाइमर है, बट मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा वो कर पाएंगे, बट ही इज डूइंग वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। समटाइम्स होता ना ऊपर नीचे, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। गौरी एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, और एज अ सी ये छोटे बजट की फिल्म है, फिल्म छोटी नहीं है, मतलब होता है, एक होती है ना छोटे बजट की फिल्म होती है और उसमें हम फिर खाली फिल्म कंप्लीट करते हैं, ये वैसा नहीं है, ये फिल्म छोटे बजट की, लेकिन हम अच्छे लेवल पे, अच्छे पैमाने पे शूट कर रहे हैं। शहबाज खान सर, मुश्ताक भाई, हैरी जॉश, गौरी, विनोद जी, अनुपमा, बहुत अच्छा नाम है आपका, अच्छा आता नहीं, अच्छी चीज़ें मेरे मुँह से नहीं आती, अनुपमा, जयश्री जी, ये सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फिल्म में, एंड होप फॉर द बेस्ट। इन्होंने परफॉर्मेंस करके लिया है हमसे। बिल्कुल सवाल किए, बिल्कुल जरूर जरूर, उठानी पड़ रही है बार बार इंटेक्ट करना या क्या? नहीं, मैंने इनमें, मैंने इन दोनों में एक चीज़ बहुत अच्छी देखी है, विनोद जी में और गौरी में एक चीज़ बहुत अच्छी देखी है, अगर मैंने कुछ बोला, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो इन लोग का ये नहीं कि एडमेंट नहीं है कि नहीं, मतलब हम यही करेंगे, या बॉन्ड नहीं है कि नहीं हम इसके आगे नहीं कर सकते, दायरा नहीं है, इन लोग ट्राई कर रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ वैसा इन लोग, मतलब उस परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क करने की ट्राई कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, सो दे आर वेरी गुड। रीटेक्स तो डेफिनेटली होते हैं इस फिल्म में, ऐसे भी शॉट्स है जो एक टेक में ओके हुए हैं और ऐसे भी शॉट्स है जिसमें 25-25 30-30 टेक्स हुए हैं। मेरे से नहीं है। फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं कैमरा, और इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और जिस तरीके से मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आया हूँ, मैंने कभी कोई पिक्चर में काम किया नहीं, कोई थिएटर किया नहीं, मैंने लगभग मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आया हूँ, जिस तरीके से मैं आया हूँ, मेरे डायरेक्टर साहब ने, मासूम अली जी ने मुझे काफ़ी संभाला है, काफ़ी संभाला, मतलब ये हमारी पिक्चर की जान है, एक रीढ़ की हड्डी, हम कहते थे ना कि रीढ़ की हड्डी,
अगर इंसान के पास वो नहीं होती तो इंसान किसी काम का नहीं होता है। तो ये इस पिक्चर की रीढ़ की हड्डी है, और जहाँ तक हमारा अंदाजा मासूम भाई है तो फर्स्ट टाइम इनका हाथ के नीचे से निकल रहे हैं, तो ऑडियंस हमें काफ़ी पसंद है। मासूम जी, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या उम्मीद आपको फिल्म गलतियाँ से? दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोग एक बार फिल्म देखो, फिल्म देखे बिना आप लोग जजमेंट नहीं ले सकते। छोटे बजट की अच्छी फिल्म है, अच्छे पैमाने पे हम शूट कर रहे हैं। अब रही बात उम्मीद की, तो उम्मीद तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं हर प्रोजेक्ट से ये बोलूँगा, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं कि नहीं है, मैं उम्मीद ज़ीरो रखता हूँ। अच्छा हो बुरा हो वो ऑडियंस के हाथ में है, और उनमें आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं। फिल्म की उम्मीद मैं ज़ीरो इसलिए रखता हूँ, भले मैं 100 करोड़ की भी करूँ, फिल्म अच्छी बनेगी तो चलेगी, बुरी बनेगी तो फ्लॉप होगी। मैं फिल्म अच्छी, बहुत अच्छी बनाने की ट्राई कर रहा हूँ और बहुत अच्छी बन रही है। ज़ीरो इसलिए कि फाइनल कॉल होता है ऑडियंस का, और हमारा सोचा कुछ नहीं होता है, काम 100%, उम्मीद ज़ीरो। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। तो कहाँ कहाँ से आप लोग रिलीज करने वाले हैं? पूरे भारत में एक साथ या सिर्फ मुंबई? नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ करेंगे हम लोग, अच्छे पैमाने पर रिलीज़ करेंगे, और हम टाइप्स भी करेंगे, अच्छे कॉर्पोरेट से टाइप्स करेंगे। बट वो फिल्म मेकिंग के बाद, एक बार फिल्म हमारी जो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे, और देन विल टेक इट फ्रॉम देयर।